गुड मॉर्निंग एंड राम राम टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग दोस्तों। तो भाई नहा धो के रेडी हो गए हैं और टाइम करीबन हो गया है 9:30 का। प्लान है हमारा कि कन्याकुमारी लोकल जितना भी वो सारा घूम के और फिर हम निकलेंगे, त्रिवेंद्रम निकलेंगे शाम को। फिर आज भाई तो जा रहे हैं वापसी दिल्ली, तो इसको शाम को छोड़ेंगे हम त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे और हम लोग अपनी आगे जर्नी करेंगे कंटिन्यू भाई। बाकी अब निकल रहे हैं यार, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह भी किया नहीं है, बाहर करेंगे जाके। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया यार, और ब्रेकफास्ट हमने जस्ट होटल के पास में ही एक था, ये दिल्ली पंजाबी ढाबा। ये कार्ड मैं दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली हमें होटल वाले ने ही रिकमेंड करा था कि यहाँ आपको अच्छा नॉर्थ इंडियन फूड मिल जाएगा, और वाकई में फूड भी बहुत बढ़िया था। क्यों भैया, डोसा ही लगा था ना भाई? खाना बढ़िया था, पराठा आलू प्याज के परांठे खाए, मक्खन लगा के। पेट पूजा हो गई पूरी। और अब हम लोग जा रहे हैं संगम पे, यहाँ एक संगम है, वहाँ बेसिकली तीन वाटर बॉडीज मिलती हैं, है ना भाई? हाँ। तो वो कौन कौन सी है भाई, बताइए एक बार भाई। एक हो गया इंडियन ओशियन, हाँ, एक बे ऑफ बंगाल, हाँ, एक अरेबियन सी। तो भाई तीन चीज है ये, और वहाँ जाके देखते हैं इनके तीनों के, वहाँ बताते हैं, कलर भी अलग अलग है तो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी देखते हैं एक बार और फिर आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस जस्ट संगम पे आए थे, गाड़ी पार्क करी थी हमने और 2-3 मिनट के लिए रुके थे, फोटो वगैरह क्लिक करा रहे थे। इतनी देर में भाई देख लो बारिश आ गई है जबरदस्त वाली, बिल्कुल सब खाली हो गया और मौसम बहुत बढ़िया हो गया। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको बाहर की तरफ, ये देखो यार बिल्कुल काला हो गया मौसम और बारिश आई थिंक रुक गई है। काफ़ी तेज हो गई थी यार बारिश एकदम ना, और बाहर हवा बहुत तेज चल रही है यार। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ नज़ारा बाहर का, क्या ज़बरदस्त हो गया है। ये देखो यार अल्टीमेट व्यू है भाई। तो भाई बारिश अब भी हल्की हल्की आ रही है, तो हम लोग अभी वेट करेंगे गाड़ी में ही, और जब रुक जाएगी उसके बाद चलेंगे संगम पे, और यहाँ पे एक दो चीज़ और भी है देखने की, सब कुछ आपको दिखाएंगे भाई। अब हम लोग आ गए बाहर और मौसम बहुत बढ़िया हो गया, हवा चल रही है मस्त, और ये अपने नए व्लॉगर तैयार हो रहे हैं भाई, अड्डू द न्यू व्लॉगर तैयारी कर रहे हैं हम। जल्दी इनके यूट्यूब चैनल मुझे लग रहा है शुरू होने वाला है, जिस हिसाब से तैयारी हो रही है और व्लॉगिंग हो रही है भाई, ये कर देगा जल्दी से चैनल शुरू। ये है महात्मा गांधी मेमोरियल, और भाई यहाँ से नीचे से रास्ता एक बार चलते हैं अंदर, देख के आते हैं क्या है इसमें। बाकी यार लोकेशन वाइज बहुत बढ़िया है मॉन्यूमेंट ये। कब बना था, विच ईयर? 1956। ओके, योर गुड नेम? बिनोद। ओके, तो भाई ये 1956 में गांधी मेमोरियल बना है, और यहाँ जो भी है बेसिकली सारा गांधी जी के बारे में, लाइफ के बारे में बताया हुआ, पूरी क्रोनोलॉजी दे रखी है। तो भाई यहाँ वेदर बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, अभी जस्ट हम ऊपर से उतरे हैं मेमोरियल से तो धूप निकलाई है नीचे, ये देखो भाई अभी बारिश थी जस्ट हम ऊपर थे, ऊपर से नीचे आने में इतनी देर में हार्डली 10-20 सेकंड हमें लगी होगी, और अब धूप निकलाई काफ़ी तेज़। और चलो वैसे अच्छा यार बारिश रुक गई तो हमें थोड़ा सा घूमने में आसानी होगी। तो ये भाई थिरुवल्लुवर स्टैचू, फेमस है ये, और अभी चलते हैं। आई थिंक इसके लिए हमको वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से टिकट्स लेके, बिकॉज़ ये आइलैंड दिख रहा होगा आपको। देखते मेन ये है कि वहाँ पे जाने का सीन कैसे बैठता है। आई थिंक यहाँ से हमें बोट वगैरह वहाँ से चल रही है, बोट से जाना पड़ेगा, पता चला फेरी में जाना हमें। टिकट्स वगैरह ले ली हैं, 75 पर हेड लगी है, और अब हम जा रहे हैं फेरी की तरफ, और काफ़ी लंबी क्यू है यार फेरी में, देखो काफ़ी लोग हैं। कोई नहीं, बट जो भी टाइम लगेगा लगेगा, आराम से घूम के आते हैं एक बार। यहाँ से रास्ता बंद कर दिया ये, और अब हमें वेट करना है क्यू में अपना नंबर आने तक। तो भाई 10-15 मिनट वेट करने के बाद अब हम जा रहे हैं फेरी की तरफ, और ये पूरी क्यू है फेरी के लिए, ये रही। फाइनली फेरी में आ गए यार, बैठ गए, और क्राउड देख लो आप, कितना सारा क्राउड है पीछे। तो भाई अभी विवेकानंद मेमोरियल पर आए हैं, और यहाँ टिकट लगी है 30 रुपीज़ पर पर्सन की, और अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ, एंट्रेंस की तरफ। ये इसकी एंट्रेंस है,
आ गया वो, आ जाओ भाई। 3 बंदे ने दिया। तो अब यहाँ अंदर जा रहे हैं, एंट्री कर ली है यार। ये लेफ्ट में पूरा समुंदर चल रहा है और ये बेसिकली आइलैंड है एक तरह से। हाँ, यहाँ आपको अपने शूज वगैरह रिमूव करके और अंदर जाना है। काइंड ऑफ टेम्पल है ये मेरे ख्याल से। एंडू नहीं, मंदिर लग रहा है। हाँ तो काइंड ऑफ टेम्पल और क्या होता भाई। बाकी ये है भाई, ऊपर अभी जाना है इसके अंदर हमें, बेसिकली विवेकानंद मेमोरियल जो है। और भाई अब यहाँ धूप काफ़ी तेज़ हो गई है तो हल्का हल्का नीचे गर्म भी हो गया पत्थर। ये देख लो, ये यहाँ पे थोड़ा पहाड़ वहाड़ भी लग रहे हैं हमें। ये तो रात को दिखे नहीं, शायद हम अंधेरे में ट्रैवल करें रात को, इसलिए ये सामने देख रहे हो। बहुत ही बढ़िया व्यू है। और इसके अंदर दोस्तों कैमरा अलाउड नहीं है। तो गाइज अभी हम आए गए यार यहाँ से, विवेकानंद मेमोरियल से बाहर निकल के। बेसिकली इसमें अंदर मेमोरियल में उनका स्टैचू बना हुआ है और वो यहाँ पे आए थे, उसके बारे में भाई भाई बताएगा शुभम क्या है। 1892 में आए थे यहाँ पे, इसी शिला पे। कब आए थे? 1892 में। अच्छा। और 25th, 26th और 27th तीन दिन रुके थे यहाँ पे दिसंबर में। और उसके बाद फिर ये मेमोरियल बना लिया। जो पर्पस था आने का वो था मेडिटेशन था। तो भाई ये इस वजह से सब कुछ फेमस है यहाँ पे। ये पूरा उनका टेंपल बना दिया गया है, देख लो भाई। ये है संगम, त्रिवेणी संगम, इंडियन ओशन। अच्छा, ये पूरा सामने। हाँ, यहाँ लेफ्ट साइड है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, ओके। और वहाँ राइट साइड है अरेबियन सी। अरेबियन सी। तो बेसिकली यार यहाँ पे क्या है ना, वाटर देखोगे आप अगर, हमें तो एक्चुअली पता चल पा रहा है कलर का, जो पानी का डिफरेंस है वो थोड़ा सा ब्लूइश है और मिट्टी वाला है। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है मैंने एक डाई से, अब कैमरे में ऑन कैमरा पता नहीं आपको इतना दिख पा रहा है या नहीं। और भाई वेव्स काफ़ी तेज है, ऊपर तक इसकी छीट आ रही है हल्की हल्की। अगर एक और चीज, हाँ, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट चलते रहोगे यहाँ पे, हाँ, अराउंड 3,000 किलोमीटर तक। अच्छा, तो आप जम्मू कश्मीर पहुंच जाओगे। तो भाई ऐसे ही है क्योंकि हम खड़े सदरन मोस्ट पार्ट पे इंडिया के, और ऑब्वियसली ऊपर की तरफ नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर है। तो भाई ने बता दिया कि स्ट्रेट इतना किलोमीटर जाओगे तो आप जम्मू कश्मीर पहुँच जाओगे। ये है वल्लूवर स्टैचू। यहाँ एक्चुअली अभी चल रही है कंस्ट्रक्शन का काम, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है कुछ, तो इस वजह से यहाँ पे एंट्री अभी बंद कर रखी है। ये बेसिकली फेमस इसलिए है यार, ये थे पोएट, तमिल में पोएट थे काफ़ी फेमस, तो इनकी यहाँ पे स्टैचू बना रखा है। 133 फीट हाइट है स्टैचू की और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ यहाँ पे वर्क वगैरह चल रहा है तो इसलिए अभी वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते। गाइस वापस आ गए हैं यार फेरी से, और अब हम लोग जा रहे हैं अपना गाड़ी की तरफ। और आगे का प्रोग्राम ये है कि अब हम चल रहे हैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे। फाइनली अब टाइम आ गया, कन्याकुमारी को बोलते हैं गुड बाय और निकल रहे हैं अब हम लोग यहाँ से। थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाया तो भूख लग रही थी सबको। बाकी यार एक बार ये कैफेटेरिया बना रखा है यहाँ पे, जस्ट जो अभी हम हो गए हैं महात्मा गांधी मेमोरियल एंड विवेकानंद मेमोरियल और सब संगम वगैरह देख के आए हैं, तो उसके बाहर ही ये बहुत ही बढ़िया फूड कोर्ट बना रखा है। तो फाइनली गाइज एयरपोर्ट पे आ गए यार, और अब भाई को करते हैं बाय बाय। ठीक है भाई, ओके बाय, हैप्पी जर्नी, और पहुंच के फोन कर दिए। तो भाई भाई को छोड़ दिया अब त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पे, और अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर। और अब देखते हैं एक बार बाहर निकलते हैं फिर कहाँ जाते हैं, कहाँ का आज का बनता है प्रोग्राम। अभी कुछ नहीं है, सब रैंडम चल रहा है। क्यों डू, अभी कुछ नहीं है ना डिसाइड, अभी तो कुछ नहीं है, थोड़ा बैठ के थोड़ा बैठते हैं आराम से भाई, और फिर देखते हैं आज क्या करना है, कहाँ रुकना है। तो भाई अभी हम चले गए थे मॉल, यहाँ एयरपोर्ट के नजदीकी था, अराउंड 5 किलोमीटर। तो कुछ थोड़ा बहुत टाइम हो गया था, शाम का 6 बज गए थे, तो स्नैक्स वगैरह लेके आए हैं यार, काफी भूख सी लग रही थी। और बाहर निकलते ही देख लो यार, मॉल से निकले हैं जस्ट और बारिश शुरू हो गई है। तो भाई मौसम यहाँ ऐसा ही है, कभी बारिश कभी धूप, और वैसे ओवरऑल ठंडा ही रहता है, थोड़ा सा डिसेंट कहूंगा मैं, ठंडा भी नहीं डिसेंट रहता है मौसम, बढ़िया।
बारिश काफी तेज हो गई है बाकी अब स्टार्ट। तो भाई जो एक चीज हमने नोटिस करी है यहाँ केरला में ग्रीनरी काफी है, मैं और आदित्य भी बात कर रहे थे इसी बारे में, है ना भाई? बहुत ज्यादा भाई, बड़े बड़े पेड़ एकदम घने घने पेड़, हाईवे में है तो भाई लेफ्ट राइट दोनों साइड घने घने पेड़ एकदम। तो पेड़ भाई देख लो यार, ये अब मेन रोड पे निकल रहे हैं बाहर, और ये देख लो बाहर निकलते ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है, मेन रोड पे है और ये इतनी ग्रीनरी। तो और अगर आप थोड़ा सा कहीं थोड़ा सा अंदर जाओगे तो काफी ज्यादा है। और ये हम अभी इस मॉल से निकले हैं, मॉल ऑफ ट्रावनकोर, खाने का भी हमें सारे आउटलेट्स थे अंदर तो ठीक ठाक हमने खाना खाया और अब निकल लिया। और भाई मौसम देख लो बहुत जबरदस्त बारिश शुरू हो गई है। तो ये प्लान ये बनाया हमने, हम लोग जा रहे हैं अभी वर्कला बीच है यहाँ पे एक, बेसिकली वो यहाँ से त्रिवेंद्रम से अभी हमें एक घंटे एक से डेढ़ घंटे की ड्राइव है, तो वहाँ जाके बढ़िया सा लेंगे रूम और आज वहीं रेस्ट करेंगे, आज ज़्यादा ड्राइव नहीं कर रहे लेट नाइट तक, वहाँ करेंगे चिल मस्त। मैप ने यार फिर से आज धोखा दे दिया थोड़ा सा, वर्कला में ही घूम रहे हम अभी और लोकेशन डाली हुई थी हमने अपनी जहाँ डेस्टिनेशन जाना है, और भाई इसने कहीं घुमा दिया इधर उधर, आगे गली बंद थी वो, अंदर पता नहीं कहाँ ले जाएगा मैप, जहाँ दिखा रहा है वहीं जा रहे हैं, ये रास्ता है और बहुत ही पतली गली है भाई ये, अभी बस ये कोई गाड़ी ना आ जाए आगे से, नहीं तो बैग ले जानी पड़ेगी पूरी हमें। तो काफी फन हो गया भाई ये तो आज ना, अच्छा हुआ हम थोड़ा टाइमली आ गए, अभी एक्चुअली टाइम हुआ है 7 बजे हैं लगभग, अगर हम 10-11 बजे आते तो शायद दिक्कत हो जाती थोड़ी। हम लोग पहुंच चुके हैं यार बड़ी मेहनत के बाद और अपने प्रॉपर्टी में, बाकी भाई रोड्स बहुत ही पतले थे लोड भाई, एकदम पतली पतली गलियां थी काफी इधर उधर घुमाए गूगल ने और फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये अपना स्टे है, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, दिस इज मिंट इनसाइड, और हम अपने बस चेक इन कर रहे हैं यार, हमने फाइनल कर लिया रूम जो लिया है वो एक्चुअली ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके है। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज लगी मुझे, नॉवल्स भी रखे हुए काफी सारे, आप नॉवल्स पढ़ सकते हो और आई थिंक यहाँ आराम से बैठ के दिन में कैरम बोर्ड वगैरह खेल सकते हो, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी क्रिएटिव चीज़ बना रखी है यार इन्होंने बढ़िया, और इसके मैंने रिव्यू भी चेक करे थे ऑनलाइन, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे, मैं बहुत फॉरनर्स आके यहाँ स्टे करते हैं, तो यार आप लोग अगर इस साइड आओ कभी भी तो यहाँ स्टे ले सकते हो, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। हमारा रूम है इस साइड, एक बार मैं आपको रूम दिखाता हूँ, बड़ा रूम है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है भाई, इवन यहाँ हमने चप्पल भी उतार रखी है देख लो, नंगे पैर अंदर है, इतना नीट एंड क्लीन है सारा एरिया ये ऊपर का, जो भी अपने स्लीपर वगैरह हैं वो बाहर रिमूव करे हुए हमने। और भाई ये वॉशरूम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो इस रूम की खासियत है वो मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ की बालकोनी, ये देखो यार ये बालकोनी है बाहर की, और आप मस्त यहाँ बैठ सकते हो, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यार ये सामने का नज़ारा है सारा, ये समुंदर वाला रहने वाला है, ये वाला नज़ारा दिखाएंगे आपको सुबह। तो भाई ये रूम हमने लिया है 3800 का, पहले थोड़ा हमें कॉस्टली जरूर लगा था रूम, बट जब हमने रूम देखा और सर्विसेज वगैरह इनकी ठीक थी, डिनर करके फिर डिसाइड करते हैं कल कहाँ चलना है, अभी तक कोई डिसाइड नहीं करा हमने कहाँ जाना है क्या विजिट करना है। भाई मज़ा आ रहा है, अल्टीमेट ट्रिप जा रही है ये, है ना भाई? सही जा रही है ना ट्रिप, रैंडम प्लान्स बन रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग सब ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो और मिलते हैं कल नए व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड राधा।